हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू अनअकाडमी लाइव ओपीएससी। मुँ अमीर रंजन दास आपण समस्तुंकु स्वागत जणाउछि। आज रो ए स्पेशल जो यस नोटिफिकेशन आसी ए मल्टी टास्किंग स्टाफ ओडिशा रो कैंडिडेट सबळे जानि रखन्थे एसएससी उपरे निहाती आबरे आमे फोकस करि थाउ सीजीएल हो सीएचएसएल हो एमटीएस हो। तो एथिरे आमे कहि परिया 10 स्टैंडर्ड रो जॉब आसी जोडी रे के आमे कहि परिया मैक्सिमम वैकेंसी आसी। आपण देखि पारथिबे 18 जनवरी रे जो नोटिस आसी जहार अप्लाई डेट एटी आपण देखि रखंतु ऑलरेडी आमर स्टार्ट हि सारलानी 18 एक रु नेकी फेब्रुवारी 17 पर्यंत आपण माने अप्लाई करि परिबे। 17 फेब्रुवारी पर्यंत जो माने यस अप्लाई करियौ चाहौसनी आराम से आपण माने अप्लाई करि परिबे। एंड ई जो वैकेंसी अछि सबुठु जानि रखंतु बहुत ही बडो वैकेंसी, काहेकि नै एथिरे आपण जदि देखिबे एग्जामिनेशन नबि एग्जाम रे फर्स्ट जो स्टेज आपणर अछि तार डेट दे दिया हिछि एप्रिल 2023 रे आपण को एग्जाम होबार अछि। एंड बहुत ही बढ़िया पोस्ट 10th स्टैंडर्ड रो जॉब आसुछि निहाती आबरे आपण माने समस्ते भलो से प्रिपेयर करि परिबे। एंड ये आपण जानि रखंतु लेवल 1 नु ये जॉब स्टार्ट हेता एज पर पे मैट्रिक्स 7th पे भलो हैंडसम अमाउंट रो दरमा आपण को मिलि थाए। एंड ये होची ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट आपण रे आसीबो जोथिरे आपण को एबे रिसेंटली ऐड हिचे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सीबीआईसी एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन रो भी आमे कहिबेरे हाबिलदार पोस्ट आसीची अंडर रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर रे ये जो वैकेंसी गुड़ा आसी आपको निहाती भाव में आप देखी रखा दरकार जो थी आप देखी रखु केवल मल्टी टैक्सींग स्टाफ 10,880 आप्रोक्सीमेसन अच्छी जोटा कि आगे वैकेंसी यस आड भी करा एंड आड भी करा जाए था सहित 529 यस आम जदि देखा जो सीबी आईसी एंड सीबीएन रे वैकेंसी अच्छी हाबिलदार रे पोस्ट जो थे एज भी आम कही पारे टी अधिका अच्छी रिजर्वेशन देखी रखु एससी एसटी एससीबीसी ओबीसी ये आज यूजुअल जमी एससी थाए से अनुसार रोक एंड डिजेबिलिटी भी आम कही पार सामान ही थाए जहाँ मानने बेसिक रे रही था आम रोच एंड एलिजिबिलिटी आम पिला जाचे येस आमर ये आपन को 10th स्टैंडर्ड मिनिमम क्वालिफाई करथिबा दरकार। एंड एज आप जाणी रखंतु ये 1/1/2023 को नेकी एटी आमे कहि परिया 18-25 एज आज ऑन 1/1/2023 आपन को 18-25 हेथिबा दरकार जोरा एमटीएस एंड हाबिलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट आउ 18-27 जोरा जनरल कैंडिडेट मानक पई जोटा कि आमे कहि परिया हाबिलदार इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस जोटा कि 18-27 पर्यंत आसूँ। बाकी आपण जदि देखिबे निहाती भाव में एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन डिफेन्स पर्सनाल अच्छा एससी एसटी कैंडिडेट मान 5 वर्ष ओबीसी 3 वर्ष पीडब्ल्यूडी होगा आम कह 10 देन ओबीसी 13 ये 15 जमी आज यूजुआल रिजर्वेशन रही था से रिजर्वेशन अच्छी बट ये गोटे चान्स भल देखी रखुद एमटीएस रे कहीं सिलेबस आप देखी रखुद पूरा डिफरेन्ट अच्छी मुझे आम डायरेक्ट सिलेबस पाखक जी तो आपण मैंने निहाती भाव में जापर कहीं जोड़ा आम दरकार देखी नवा येस एज 10th स्टैंडर्ड मिनिमम आपण मैंने क्वालिफाई कर दरकार। एंड ये आम जी देखा येस जोड़ा मेन पार्ट को आम जीवारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाऊ ये बाकी 100 टका एप्लीकेशन फीस आज यूजुआल जमी आप रही था सहित आम जी देखा जावा ऑनलाइन फीस आप जो फॉर्मेट रे चाहिए आराम से आप पारे से किसी असुविधा ना देखि रखु सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपण नेटिव एरिया हिं देते भुवनेश्वर हो आम कही पार ढेंकानाल कटक ब्रह्मपुर ये आस देखु स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यही जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अच्छी द एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर पोस्ट हाबिलदार जो मैंने हाबिलदार पोस्ट पाई अप्लाई करेंगे तक मानी फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ही अच्छी। एंड ए जानी रखु कंप्यूटर बेस्ड विल बी कंडक्टेड इन हिंदी ता सहित 13 रीजनल लैंग्वेज ता माने जानी रखंतु क्वेश्चन ट्रांसलेशन करेंगे किसी एक्स्ट्रा नु आप चाहिए आराम से ये क्वेश्चन ओडिया रे भी आसो इंग्लीश रे भी आसो बाय डिफॉल्ट ता सहित आम जी देखा आपण मैंने ओडिया रे ट्रांसलेट करें आठ आप देखी रखु जो एग्जामिनेशन अच्छी येस आपण ये देखी रखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन गोटे हूँ फास्ट सेशन 1 जोटा को आम प्री धरवा एंड सेशन 2 आसो एंड जदि देखिए सेशन विल बी मैंडेटरी टू अटेम्प्ट दुटा को आपको करेंगे पड़ो फास्ट सेशन एंड सेकेंड सेशन। एंड इटे आम जी देखा
यस टेंटेटिव एनी चेंज डेट एप्रिल ले फास्ट टा ही आपण कर हबो जो फास्ट एग्जामिनेशन कथा आमे देखिबा एटी आपण माने देखि रखंतु यस न्यूमेरिकल एंड आमर मैथमेटिकल एबिलिटी ओके जोधरे आमे कहि परिबा 20टा क्वेश्चन आसीबो 60 मार्क रो रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20टा क्वेश्चन आसीबो मार्क 60 माने 40टा क्वेश्चन को 120 मार्क आपण एग्जाम देबे जोधरे कि 45 मिनिट ओके 45 मिनिट रे 40टा क्वेश्चन को आपण 45 मिनिट रे 120 मार्क रो एग्जाम देबे जदि एथिरे आपण माने 30% रखि दोसुंदी ओके एठी आपण जानि रखंतु जदि आमे कहि परिबा रफली आपण यस 50 रखुसंदी देन आपण को नै जाबो देन सेशन 2 जोटा के आमे कहि परिबा क्वालिफाई करले सेशन 1 देन सेशन 2 रे जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज ये 25 50 50 मार्क 50 मार्क को 45 मिनिट सबुटो मेन जिनस होची क्वेश्चन जेहेतु गोटे क्वेश्चन आपण रेडी देखंतु ये 150 मार्क रे एग्जाम गोटे क्वेश्चन आमे कहि परे 3-3 मार्क लाखे आसुची तो क्वेश्चन नो लेवल जबरदस्त रहइबो एंड ता सहित आमे जदी देखियाउ जिबा यस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 13 रीजनल आर आसीबो आ एठी सबुटो भलो से मने रखिबे गोटे बढ़िया पॉइंट एठी आपण रछि जोथि पई कि आमे कहि परिया कंपटीशन भी से अनुसार बढ़िबो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1 सेशन 1 ने कोनोसी भी नेगेटिव मार्किंग आपण करो नाही देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग मैथ और रीजनिंग रे नेगेटिव मार्किंग नाही बट एठी आमे जदी देखिबा जो माने फर्स्ट टू सेकंड को गले जो आमरो सेकंड एग्जामटा हबो सेही थिरे आमे कहि परिबा नेगेटिव मार्किंग अछि गोटे क्वेश्चन ने गोटे आमे कहि परिबा मार्क आपण करो डायरेक्ट कटिबो आउ एटी देखि रखंतु न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी रे आमे कहि परिया सिलेबस अनुसार आमे जदी देखियाउ जिबा तो प्राय सबु किछि आपण रासिबो जेमिदि आपण माने देखि रखु दिबे यस न्यूमेरिकल एंड माने आमे कहि परे मेंटल एबिलिटी आज स्टैंडर्ड एसएससी रो जो गुडी को आसी थाए से अनुसार ही आपण को रासिबो एथिरे आमे कहि परबा एससीएफ एलसीएम डेसिमल रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स ओके एंड इथि आमे कहि परबा एंगल्स माने एडवांस मैथ भी रहइबो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी सहित प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस नॉन वर्बल रीजनिंग डायग्राम हे गला लॉजिकल रीजनिंग या ऊपर आसीबो जनरल अवेयरनेस रे एज यूजुअल जेमिते आसीबो आसीए एंड इंग्लिश एंड कंपैरिजन ने देरे पैसेज रहउची फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो माने सीबीआईसी एंड आमे कहि परबा सीबीएन ने देबे 1600 मीटर को 15 मिनिट रे दौड़ीबार अछि जोटा कि इजी एंड फीमेल कैंडिडेट को पई गोटे किलोमीटर 20 मिनिट रे एंड इथि आमे जदी देखिबा यस बाकी एज यूजुअल जेमिति रहउची फिजिकल स्टैंडर्ड ए 5 फुट भीतर रहउची ए 5 फुट 5 इंच भीतर ये 5 फुट हाइट रोजी वुमेन कैंडिडेट मान को पई बाकी आपण देखि रखंतु कि जे एजम्पशन नाही हमर सीबीआईसी पोस्ट रे एंड इठी आपण माने समस्त भलो से डेडिकेटेडली अप्लाई करंतु काहे कि ना इठी आपण कर जो एग्जाम अछि बहुत ही बढ़िया भाव रे होबो काहे कि ना पोस्ट भी जबरदस्त अछि एंड एपाली रो एग्जाम रो जो मोड अछि ये भी आपण कर कहि परबा इजी अछि ओके एंड वैकेंसी कथा जदी आपण देखिबे लास्ट पेज को जिबे आपणकर भुवनेश्वर रे भी आमेरे जो सीबीआईसी सीजीसी जीएसटी कस्टम रे पोस्ट आपणर अवेलेबल अछि जोथरे के हाबिलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन ने बाकी एठी आपण देखि रखंदो एमटीएस रे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस रे वैकेंसीज अछि आपण माने अप्लाई कला बेले निहाती हाबरे देखि नेबे गोटे थोर काहेकि ना अप्लाई केमिति करिवे तार फॉर्म आपणकर ऑलरेडी एठी फॉर्मेट देइछि गोटे थोर आपण माने चेक करि नेबे जोटा कि यस आमे कहि परबा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट बेसी किछि डिफिकल्ट न थाए ओएससीसी रो जदि आमे देखियाउ जिबा एठी आपण खाली जेतेबेले कोड चूज करिवे देखि रखंतु एठी आमे कहि परबा को जगह रे कोन पकेबे एठी आमे कहि परबा प्रेफरेंस ऑफ स्टेट एही नंबरिंग टा टिके ध्यान देई पकेबे जो माने एज रिलैक्सेशन चेक करथिबे बाकी नहले सब किछि आपण को पई इजी हे जीवो ट्राई करंतु भलो से देखिया पई एंड को माने इंटरेस्टेड अछंदी यस ओडिया रे जदी आपण माने क्लास करिया पई ऑन एकेडमी रे चाहसंदी जे कोनोसी यस कैटेगरी रे आपण माने सब्सक्रिप्शन नै परिबे एसएससी रो भी नै परिबे कोड यूज करिबे ओमियो लाइव आ आमे बहुत जल्दी ऑन एकेडमी ओपीएससी रे भी मध्य आपण को स्टोर रे कोर्स नै आनिबु तो ट्राई करंतु यस जॉइन होवा पई एंड निजर प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल को नै कि जीवा पई सब वैकेंसी आपण को रहिची टेस्ट सीरीज भी ऑन एकेडमी रे प्रोवाइड कर दिया जीवो यस एबले टारगेट करंतु निहाती आबरे सीजीएल को सीजीएल सहित यस एमटीएस एग्जाम बहुत ही बढ़िया एग्जाम ट्राई करंतु एंड एप्रिल ले भी एग्जाम अछि तो भलो से करि परि ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड थैंक यू वेरी मच